सरहद का उस पार यहाँ से साफ दिख रहा है। ये इस ट्रेन टॉक की जो है कान खड़े हुए, नज़र तेज रखता है, कुछ दिख गया है। और ये भैंस को एक झुंड इसको दिखा और इसके पीछे खदेड़ते हुए एक फिल्मी गाने के मैंने बोल सुने थे, पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो ये जो प्राकृतिक आनंद आप ले रहे हैं, जानवर ले रहे हैं, इनके लिए कोई सरहद नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, दे आर फ्री टू लिव एनीवेयर वी गो ऑन दिस प्लैनेट। हरी ले हरी ले बॉल हरी ले हरी ले। आई होप कि आपने अभी मोर की आवाज़ सुनी और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ऐसे वीडियोस को बच्चों को दिखाएं, भीड़ से दूर शांति में जंगल के बीच पक्षियों की चहचहाट। शुड वी रन नाउ? हाँ गेट अप, चलो लेट्स गो नाउ, रन 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 रन। Hurry, run! Hurry, run, run, run! Oh, notice kiya? Pari jab bhag rahi thi, to uske theek upar ek kauwa bhi ud raha tha, ek pakshi ud raha tha. Wah, kya nazara hai! Ye pur, ek baar fir se dekhiye, ye ud gaya. Sach kyun? Ye alert hai, koi aa raha hai lagta hai. हाथ में क्या बेटा आपके, दिखा ना, दिखा तो सही। अरे शर्मा मत दिखा, अरे रुक तो जा, दिखा तो सही, एक बार दिखा, एक बार हाथ में दिखा, शाबाश। बोतल जंगल पानी करके आ रहा है बेटा। स्कूल जाते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में? एट। तो बेटा आप एट्थ में पढ़ते हो, आप तो देश का भविष्य हो। आप मुझे कोई कारण है ऐसा कि आप इतना इंडिया आगे बढ़ रहा है लेकिन आप जो है अभी भी जंगल में जा रहे हो बोतल लेके? घर में शौचालय नहीं है क्या? फिर वहाँ करने ना, क्या करते हैं, पर हमारा वो भर गया ना। क्या भर गया? लैट्रिन का टैंक। अब टैंक भर गया तो खाली कौन करवाएगा उसको? टैंक आज ही खाली होगा, मोदी करवाएगा आके खाली ना। फिर क्यों नहीं करते उसको ढंग से यूज टाइम से? या जंगल में बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है ना? नहीं तो आप तो बेटा देश के भविष्य हो, ठीक है? आप जो है पापा मम्मी के पीछे पड़ जाओ कि भैया टैंक खाली कराओ और ढंग से जो है इसको ऐसा करो कि हम यूज़ कर सकें। ओके चलो टेक केयर, कल से मत आना प्लीज़। आप क्योंकि अच्छे बच्चे हो, आप देश का फ्यूचर हो, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। पर इतनी सारी भीड़ आती है, उनको भी बोल चुका हूँ, पर उन लोगों पे कोई असर नहीं होता, ठीक है? तो आप बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहोगे, देश के बच्चों को जो ऐसे जंगल में खेत में जाते हैं शौच करने? उन्हें खेत में नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो मक्खियाँ पहले उनकी मतलब उस पर बैठती हैं, फिर वही घर पर जाके रोटी वोटी बैठती है जिनसे वो बहुत बीमार हो सकते हैं। क्या बात है, यू आर इंटेलिजेंट बॉय यार, आपको सब कुछ पता है। देखो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना? फिर भी तो प्लीज़ जो है थोड़ा ध्यान रखें आप बेटा, नेक्स्ट टाइम से मत आना ऐसे, ठीक है? गुड बॉय, चलो बाय। तो जंगल में आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, यहाँ पे कुछ और आप देख सकते हैं, काफ़ी गाय दिख रही हैं, डॉग जो हैं, जैसे कि आप मेरे काफ़ी वीडियोज़ देख चुके हैं, दे आर हाईली ट्रेंड इन फाइंडिंग परी नौ। ये आपस में पंगा कर रहे हैं दूसरे से, मस्ती चल रही है। ये बैल पूरा उस पर नजर गड़ा है, उसको जो है कवर देने आ रहा है, पीछे से एक और बैल लगता है। ये दो परी नाउ, परी नाउ, गो 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 गो, लेट्स गो गो, चलो आ जाओ।
काफी सुंदर दृश्य। परिनो हेलो हेलो, हाँ यो 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 यो, शी इज गेटिंग एंग्री कि मेरे मास्टर के पास क्यों आ रहे हो आप लोग। देर आर सो मैनी मोर, गाइस मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं बट आई एम श्योर 100% आपको बहुत बहुत सुकून देते होंगे। शी इज गेटिंग एंग्री ऑन दैट। परी आजा आजा, कम ऑन परी कम। परी भी इस क्राउड के बीच फुल मजे ले रही है। अरे ये तो कैमरे के पीछे आ गई है। ये सोच रही किसके साथ खेलूं किसके साथ ना खेलूं। वहां परी पे गाय के साथ एक चरवाहे हमें दिख रहे हैं। इसके पीछे पड़ रही है शायद से पंगे लेने के लिए। देखो अच्छा बिकॉज ही इज अ मेल मेंबर। परी लेट्स गो एंड टॉक टू हिम। बॉर्डर की जिन जिन एरियाज में फेंसिंग है इस टाइप से वहाँ पे सूंघ के जो है डॉग्स पता लगाते हैं कि कुछ माइंस या डेटोनेटर या कोई बारूद जैसी चीज़ तो नहीं है। तो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ सिविलियंस के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है डिफेंस फोर्सेस के साथ, उनके साथ एक फैमिली जैसा रिलेशन बन जाता है। अभी देखिएगा आप, आगे मैं आपको एक बाबा से मिलाने वाला हूँ। राम राम बाबा। राम राम। कैसे हो? हाँ जी। और गाय सारी आपके भरोसे चल रही हैं जंगल में? कितनी गाय हैं बाबा आपके पास? थोड़ी हैं, दो एक। दो एक हैं? ये तो काफ़ी सारी हैं लेकिन ये बस आ जाए। अच्छा गैल आ जाए वैसे ही। तो कितने बजे से कितने बजे तक चरती हैं जंगल में? 4 बजे तक, शाम को 4 बजे तक। हाँ उसके बाद चली जाती हैं आपके साथ? मैं तो 12 बजे ही चला जाऊँ। अच्छा अच्छा इधर घर का पार्क। तो साथ पानी वानी लेके आते हो? पानी पी लूँ अपने लिए ना। अच्छा कैडे हो पुराने, पानी वानी की जरूरत ना पड़े ना। सही है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस देयर डॉग्स आर आल्सो नेवर ऑफ ड्यूटी। ऑल द टाइम दे आर हाईली विजिलेंट, दे कीपिंग आईज हियर एंड देयर। द पर्पस इज नॉट जस्ट टू वॉक, ऑल्सो टू फाइंड सस्पेक्ट्स and suspected elements all around. She is sitting with me but she is highly vigilant all around. कई कई किलोमीटर चलने के बाद जो है थोड़ा रेस्ट भी देना होता है। अब आपके ज़माने में जो है इतनी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी पहले के टाइम में और अब के में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है खाने पीने में जनरेशन में? ये भाई अब जब पढ़ाई लिखाई ना करें तो यू जमाने ना पढ़ को जमाना ही ख़त्म होगा। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। और भाई वैसे आदमी में अब जो नई पीढ़ी है इनमें पुराने आदमी की इतनी ताकत ना रही,
इनके खाने पीने भी वैसे हो गए। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि आजकल की जो नई पीढ़ी है उनका खाना पीना हेल्दी नहीं है, वातावरण हेल्दी नहीं है, इसलिए जो है आज की पीढ़ी थोड़ी कमज़ोर है पहले के मुकाबले। हाँ जी। तो आपकी उम्र आपने बताया 85 साल हो गई है बाबा। तो 85 साल में भी आप देखो आते हो जंगल में अपने गाय भैंसों को लेके चराने के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये लगता है इससे आपकी फिटनेस मेंटेन रहती है? हाँ। अच्छा, ये अगर यू क्यों बांध रखी है? ये इसके बांधने की है कमर में। अच्छा। इससे पकड़ने से जो है ना जान कम लगती है, गले में पट्टा बांधते हैं तो कुत्ता जो है जोर ज़्यादा लगाता है, और कमर में अगर इसको हम बांध देते हैं इसको हारनेस को, तो इससे जो है जान कम लगती है, बच्चे भी घुमाते हैं तो ताकत कम लगती है इसकी, ये है इसका मतलब। परी, मंकी, 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 देखियो, मंकी, 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 really such a beautiful scene guys, I'm sure you're loving this। यूट्यूब की भीड़ भाड़ में कहाँ आपको ये सब देखने को मिलता होगा, हर कोई बस रश में वीडियोस बनाता है। बिल्ली, बिल्ली तोरी, जब मैं खुद यूट्यूब पे कई बार कुछ वीडियोस देखता हूँ मुझे लगता है हर कोई इतना नॉइजी, इतना धूम धड़ाका, आवाज़ चीखना चिल्लाना, ऐसे शांति भरे वीडियोस एक्सेप्शनली आपको रॉयल सोल्जर चैनल पे ही मिलते हैं गाइस। और ऐसा नहीं कि मैं अपने चैनल की तारीफ कर रहा हूँ आपको बोलने के लिए, क्योंकि जो सच है वो सबको दिखता है, एंड आई एम श्योर यू वुड बी एग्री विद मी। बाबा, कौन सी नस्ल की गायें हैं सामने खड़ी है, तो देसी है? ये भी रंग की देसी है। अच्छा, और ये भी है। कौन सी? ये दो। अच्छा, बुलाती हैं अमेरिकन काओ। किसी भी डॉग को पसंद नहीं कि कोई जानवर या इंसान उसके ओनर के या मास्टर के आसपास भी आए। अब ये देखिए चीज़ बड़ी अलर्ट है। मेरे व्यूअर्स, अगर अपने बच्चों को बीफ और बफेलो पढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियोस दिखाइए बजाय उनको फोटोग्राफ्स दिखाने के। आई एम श्योर दे वुड लव टू सी सच वीडियोस ऑन रॉयल सोल्जर्स चैनल। परी, परी रन। गाइस प्लीज़ बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इसकी जो गले वाली चेन है वो उसने कहीं खो दी है, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन परी जाने वाला हूँ जहाँ जहाँ पे ये ढूंढ रहा हूँ उसे कहाँ है गई है, सो दैट शी वी कुड फाइंड दैट। क्या हुआ उधर, क्या है, शो मी, चलो चलो। ओ माय गुडनेस, थैंक गॉड मिल गई भाई। परी, यू आर रियली सच इंटेलिजेंट गर्ल यार, आई लाइक यू। चलो राइट रास्ते पे लेके चल, मुझे पता थी। गुड, गल में ये जो पेड़ है पिंक फ्लावर के साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली ब्यूटीफुल लगा। आई थॉट कि आई शुड कैप्चर जॉइंट टू दिस विद माय व्यूअर्स, आई एम श्योर यू वुड आल्सो लव दिस। परी, आप कहीं जाएं जंगल में या ऐसी जगह पे, तो प्लीज़ कुछ ऐसे स्पॉट्स बनाएं जहाँ पे बर्ड्स के लिए अपने घर के आसपास बर्ड्स के लिए पानी रखें, ऐसे अनाज आप रख सकते हैं ताकि बेजुबान जानवर पक्षी जो है इन्हें खा सकें, पेट भर सकें। आई लव द वॉइस ऑफ दिस लिटिल स्वीट पपी, सुनो ज़रा। हाँ भाई, अरे शेरू बड़ा स्ट्रॉन्ग है तू तो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंडियन डॉग ब्रीड सर बड़ी गार्डिंग होती है, काफ़ी प्रोटेक्टिव होती हैं, लोगों को उसके बारे में अंदाज़ा नहीं, छोटा सा पपी है लेकिन देखिए कितना अच्छी गार्डिंग कर रहा है।
एक ही भाई डर रहे हैं देख के कि डोबरमैन आ रहा है। आ जाओ भाई चलो हरी कम। आई होप आपको मेरे डोबरमैन जर्मन शेफर्ड के अलावा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं घर में प्रमाइसिस में जो रहते हैं जो डॉग्स के साथ मेरे खेलते हैं खाते हैं वो भी आपको बेहद पसंद आते होंगे। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं सारे मेरे डॉग्स को, किस तरह से मैं जो है जाता हूँ किसी ऑफिशियल काम से लेकिन रास्ते में ही काम छोड़ के डॉग्स को इंजर्ड दिख गया तो उसको मैं लेके सीधे हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ सभी इनोसेंट जानवरों की प्रोटेक्शन करें, उनको खाना पानी देते रहें, ये बेचारे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते सिर्फ आपको प्यार और दुआएं दे सकते हैं। सो प्लीज़ हेल्प ऑल द एनिमल। सो इफ यू लाइक्ड एंड लव्ड दिस वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट द लाइक बटन, मेंशन योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड शेयर द वीडियो लिंक विद योर फ्रेंड्स, दे कुड ऑल्सो सी दिस वीडियो। And if you're watching this first time, so don't forget to subscribe my channel and press bell icon so you could also view some more beautiful videos next time. Thank you so much for watching, guys. Jai Hind.